गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम का टाइम हो गया है और चाय बनेगी। इसमें है थोड़ा सा दूध, मैं डालूंगी ये। तो मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैंने सुबह की चाय जो है कट कर दी है। वैसे इनिशियली जब मैंने ये शुरू किया था ना सात्विक लाइफस्टाइल, तब मैंने पूरी ही तरह से चाय बंद कर दी थी। बट राइट नाउ छुट्टियों का टाइम है, मूड बन जाता है, तो अभी मैं शाम को ले लेती हूँ। बट सुबह मेरी जो फास्टिंग चल रही है वो चल रही है, तो मैं नहीं लेती हूँ। और वैसे भी मुझे सुबह चाय वगैरह लेने का ऐसा कोई शौक नहीं है। तो अभी मेरा क्या है, जूसर थोड़ा सा खराब हो गया है तो जूस भी नहीं निकल पा रहा। सो इंस्टेड ऑफ जूस ये नारियल पानी है। तो ये नारियल मैंने 3-4 जो है लेकर रख लिए थे, हस्बैंड मेरे लिए आए थे। तो मैं सुबह ही सुबह 6 बजे या 6:30 बजे जो भी है मैं ये ले लेती हूँ। गुड इवनिंग। तो मुझे आज आप लोगों से कुछ बातें भी करनी है, अभी हम बैठ के करेंगे, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट आए थे वो थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो फटाफट से मैं चाय बनाती हूँ। सबसे पहले एयरपोर्ट पे काफी अभी वीडियो आया है जो फाइटिंग वगैरह का था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या था। तो अब जाके उसका कंक्लूजन आया है कि लोग टेस्ट कराने के लिए राजी नहीं थे, इसीलिए अब उनका पासपोर्ट ही ले लिया गया है। आई मीन दिल्ली एयरपोर्ट पे लोग मतलब यार कोई भी रूल फॉलो नहीं करना चाहते हैं। दिस इज नॉट फॉर यू, जस्ट फॉर यू, दिस इज फॉर द सोसाइटी। आपकी फैमिली के लिए भी इन्फेक्शन तो ऐसे स्प्रेड हो रहा है। लोगों को समझनी चाहिए अपनी जिम्मेदारी सोसाइटी के प्रति। पी लेती हूँ चाय, और आरव के लिए मैं बना रही हूँ बेसन के चीले। तो ये रहा बेसन का घोल, और वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी क्या क्या डाला है इसमें। लेकिन सबसे पहले मैं चाय छान लेती हूँ। ओके, और इसमें मैंने डाला है शिमला मिर्च, टमाटर और अनियन। और इसको बहुत अच्छे से ग्रेट करने के लिए ये बहुत अच्छा है चॉपर। ये ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा शेयर किया है। अभी जो है मैगी वगैरह लाना बंद कर दिया है शुरू में। अब बच्चों की छुट्टियां तो एक्सटेंड होती जा रही हैं, तो मैं मैगी वगैरह कुछ भी नहीं ला रही हूँ। तो मैं उसी तरह से ये सारी चीज़ें बना रही हूँ, हेल्दी एंड टेस्टी। तो इसमें मैंने क्या डाला है, नमक डाला है, थोड़ा मैंने अपना चिली गार्लिक पेस्ट डाल दिया है, तो मैंने अलग से चिली नहीं डाली है, एंड लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। क्या चीज, अभी मैं पूछ रही हूँ, अभी मैं वी विल राइट। ओके, उससे आपको स्पेलिंग भी पता चलेंगी कि कितनी गलत है कितनी, बट फर्स्ट वी विल फिनिश दैट। ओके, तो ये सारी चीजें याद कर लो, इम्पोर्टेंस ऑफ मैप। चलो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, ऑमलेट जैसे ही लग रहा है तेरा। ऐसे ऐसे ऑमलेट भी ज्यादा पसंद नहीं है, बट ये वाला पसंद आएगा आपको, देखना बहुत ज्यादा अच्छा बनाया है। एंड नो चिली, ये जो चिली है ना सॉस, नहीं ये वाली नहीं है, मैंने सैशे कट किया है, चिली वाला नहीं है ये। सैशे जो आता है ना टमाटो केचप का सैशे जो बिल्कुल मीठा होता है, दैट वन। ओके, नाउ यू हैप्पी, थोड़ी स्माइल तो कर दे। अरे कर दे, अरे कर दे, अरे कर दे, करते करते कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। खा लो। ओके, तो आज मेरे बाल देखो ना कितने चिपकू हो रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि आज ब्लॉग नहीं बनाऊं, बट फिर मैंने शुरू कर लिया। एंड आज खाने में क्या बन रहा है, खाने में बहुत कुछ रखा है एक्चुअली। आज सुबह मैंने बनाए थे काले चने ग्रेवी वाले, जैसे कि मैं बोल रही थी कि स्प्राउट्स वगैरह मैं खाती रहती हूँ, तो स्प्राउट्स को स्प्राउट की तरीके से नहीं बट डिफरेंट डिफरेंट वे में बना लेती हूँ मैं। तो वैसे ही काले चने जो है वो मैंने मतलब सोक कर लिए, देन उनमें कपड़े से बांध कर रख दिया, देन पूंछ भी निकल आई उसमें। वैसे ही ग्रीन वाले भी रखे हुए हैं अभी, तो उसकी मैंने ग्रेवी की तरीके से मतलब जैसे हम छोले बनाते हैं या राजमा बनाते हैं उस तरीके से मसाला बना के मैं उसको बना लेती हूँ। तो ये रहे, तो ये थोड़े से अभी बचे हुए हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं, तो इसके साथ मैं रोटी भी खा लेते हैं। बट मुझे राइस बहुत ज्यादा पसंद है, तो राइस भी थोड़े से रखे हुए हैं, और राइस थोड़े से ज्यादा ही रखे हुए हैं। तो मैं क्या करूंगी, ये तो रोटी के साथ खा लेंगे। तो मैंने कट किए हैं प्याज, टमाटर, और ये बड़ी वाली जो ग्रीन चिली होती है ना वो जो कम स्पाइसी होती है ये, और मैं डालूंगी मटर। सो आई एम नॉट गोइंग टू ऐड पोटैटो। तो सबसे पहले मैं डालूंगी मस्टर्ड सीड्स, जीरा भी डाल सकते हैं, चावल में जीरा भी डाला हुआ है एक चावल में, बट मैं डालूंगी मस्टर्ड सीड्स। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी
का फ्राई करना है राइस फ्राई करने के लिए। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी मटर। तो जैसे ही हमारी मटर हो जाएगी उस टाइम पे मैं डाल दूंगी ये ग्रीन चिली। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसको इस तरह से मोटा मोटा बड़ा बड़ा काट के ही ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब इसको ज्यादा चॉप करके मजा नहीं आता। सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी, रेड चिली पाउडर, बहुत ज्यादा नहीं डाल रही हूँ मैं, देन सॉल्ट। और मिक्स करते ही हम इसमें डाल दूंगी टमाटर। मुझे एक मैसेज मिला, तनवीर है शायद उनका, दैट ऑन माय वेट जर्नी वीडियो दैट आई एम कॉपिंग सात्विक मूवमेंट। आई एम नॉट कॉपिंग सात्विक मूवमेंट, आई एम फॉलोइंग हर रिलीजियसली। ठीक है, मैंने वैसे उन्हें जवाब दे दिया है बट मैं आपको थोड़ा सा जस्टिफिकेशन दे रही हूँ। जस्टिफिकेशन समझना है, इसे आंसर समझना, जो भी समझना। और नवंबर मैंने जैसे आपको बताया है कि 25 नवंबर से मैंने अपनी ये जर्नी शुरू की। 23 नवंबर को मैंने उनका फर्स्ट वीडियो देखा और मुझे उनका वीडियो कहाँ से पता चला, मुझे पता चला परकी मेक के थ्रू, कि परकी मेक ने एक ब्लॉग में जस्ट उनका नाम लिया था। उनके वीडियो बहुत ज्यादा यू नो फ्रंट पेज पर आ रहे थे बट आई एम नेवर इंटरेस्टेड, क्योंकि मेरी बॉडी इस तरह से चल रही थी, इतनी ज्यादा मैं डाइट और ये सारी चीज देख देख के बोर हो गई थी कि मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं देखना चाहती थी। तो जब परकी मेक ने उनका नाम लिया ना और उन्होंने बताया कि क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में, देन आई वॉज सो एक्साइटेड टू वॉच। और फिर मैंने उनको देखा, मेरी जो कंफ्यूजन था, जो विजन था, वो पूरा क्लियर हो गया। बट आई नेवर फॉलोड हर 100%। तो अगर आप उनके वीडियोस देखोगे सात्विक मूवमेंट का, जो मैंने नाम नहीं लिया, बिकॉज नाम लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो, मैंने उनका लिख दिया है, क्योंकि आई थिंक पीपल शुड नो कि मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, किसे फॉलो कर रही हूँ। ऑब्वियसली आई एम नॉट अ गॉड और मेरे को एकदम से बैठ के विचार नहीं आए हैं। जैसे शुभा जैन ने भी किसी को फॉलो किया, अपने गुरु को फॉलो किया। शुभा जैन इज नॉट माई गुरु, शी इज अ गॉड फॉर मी राइट नाउ। मैं लिटरली बोल रही हूँ शी इज अ गॉड फॉर मी। मेरा बस नहीं चलता, मैं अभी कुवैत में रह रही हूँ, मेरा बस चले तो मैं उनकी सारी क्लासेस वगैरह जो भी ज्वाइन करूँ इंडिया में, जो भी होता है। इवन गुड़गांव में ही शायद उनकी एक ब्रांच भी खुलने वाली है इन फ्यूचर। अभी मैं उनको सिर्फ यूट्यूब पे फॉलो नहीं करती, मैं उनको इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट नहीं छोड़ती। इंस्टाग्राम के पोस्ट के नीचे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप देखो, उन क्वेश्चंस में आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे, मेरा भी वहां पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी मेरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और मैंने अपनी जर्नी भी शेयर की है यूट्यूब पे, जहां मेरे पास 25 या 30 कमेंट्स आए, मैंने उनको रिप्लाई दिया है। सो शी इज लाइक अ गॉड फॉर मी, बिकॉज जो डॉक्टर्स नहीं कर पाए मेरी बॉडी के साथ उन्होंने कर दिया, लेकिन मैं 100% उनको फॉलो नहीं करती। तो अगर मैं नाम लेती तो उनकी वो इंसल्ट होती, बिकॉज शी इज मेकिंग सब्जी विदाउट ऑयल विच आई डोंट, शी इज मेकिंग सब्जी इन क्ले पॉट्स विच आई डोंट। मैं नॉर्मल जैसी कढ़ाइयाँ होती हैं वैसे बनाती हूँ, हाँ डिटॉक्स रोटी जैसे वो बनाती हैं वैसे ही मैं बनाती हूँ, मे बी वो मसाले भी नहीं डालती हूँ उसमें, मैं उसमें वो भी डाल देती हूँ। वो दूध वगैरह मना करती हैं, वो नारियल का दूध बोलती हैं, नारियल मिल्क पियो, मैं नारियल मिल्क कभी नहीं पी रही हूँ, क्योंकि नारियल इतने ईजिली यहाँ मिलते भी नहीं है, मिलते हैं तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू फॉलो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैं मिल्क जो आता है बॉटल का वो पीती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी मैं वो चीज़ केक भी खा लेती हूँ, आइसक्रीम भी खा लेती हूँ, चिप्स भी खा लेती हूँ। शुभा जैन को पता चला कि ये मेरा नाम लेके और ये सारी चीज़ें खा रही है। मैंने उन्हें सुना, मुझे मेरी सारी चीज़ें पता चल गई कि आखिर ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, आखिर हार्मोन्स क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं, बाल क्यों झड़ रहे हैं, क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, स्किन क्यों खराब हो रही है, वो सारी चीज़ें मेरी क्लियर हो गई। फिर मैंने अपना खुद का डाइट प्लान बनाया और सच बताऊं मैंने कुछ भी नहीं बनाया। जो मैं खाती हूँ वो मेरी फैमिली में दादी नानी के टाइम से खाया जा रहा है। जिस तरह की सब्जियां मैं बना रही हूँ, जिस तरह की कढ़ाइयां मैं यूज़ कर रही हूँ, वही वो लोग यूज़ करते थे। आप लोग देखना मैं नॉन स्टिक वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मेरी जो आयरन की कढ़ाई है मैं उसमें बनाती हूँ। राइस भी खाती हूँ, शुभा जैन राइस की बिल्कुल मना करती है, वो ब्राउन राइस बोलती हैं।
तो बहुत सारी चीजें बिस्किट बना करती है, बहुत सारी चीजें बना करती है, तो मैं उतना फॉलो नहीं कर सकती। इसलिए मैंने अपना चार्ट बनाया और मैंने आप लोगों को बताया। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन फॉलो करो। मेरे पास तो मेरे वेट लॉस के लिए क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने अपने लिए वो वीडियो बनाया है। तो अगर आप लोग चाहो तो फॉलो करो, या डायरेक्ट शुभा जैन के वीडियो को देखो और उन्हें फॉलो करो। तो ऑब्वियसली मेरे विजन, मेरे फैक्ट्स क्लियर हुए जो डॉक्टर्स भी नहीं बता पा रहे थे। डॉक्टर हर चीज की मुझे दवाई दे देते और ये कर लो। मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि मेरी बॉडी में इतनी बीमारियां एक के साथ एक होती क्यों जा रही है। ऐसा क्या कर रही हूं मैं जो हर महीने मुझे बुखार आ रहा है, हर 15 दिन में मुझे बुखार आ रहा है, हर महीने दूसरे महीने में मेरे पास नई बीमारी होती है। तो आखिर मैं ऐसा क्या कर रही हूं? मैं एक रोटी खा रही हूँ, मैं सब्जी नॉर्मल खाती हूँ, आई मैं वेजिटेरियन, मैं ऐसा क्या कर रही हूँ? मैं बहुत ज्यादा फ्राइड नहीं खा रही, बहुत ज्यादा बाहर का नहीं खा रही, और एक चीज मैं बाहर का भी खाती हूँ, शुभा जैन तो बाहर का बिल्कुल भी नहीं बताती। तो इसीलिए आई फॉलो हर कंप्लीटली, बट आई डोंट कॉपी हर, बिकॉज उनको कॉपी करना इज वेरी टफ। और अगर मैंने अपने भगवान को कॉपी कर लिया तो ये सबसे ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, बहुत ज्यादा। अगर मैंने 100% उन्हें कॉपी कर लिया ना, तो आपको ये पूरी शिल्पी चेंज मिलेगी, ठीक है? तो इसीलिए अगर ऐसे इंसान को अगर आप कॉपी भी कर लेते हो ना, तो भी आपकी लाइफ सुधर गई। तो इसको आप चाहे मेरा जस्टिफिकेशन मांगना, चाहे मेरा आंसर समझना, जो भी समझना आप समझ लेना। लेकिन मुझे कुछ चीजें क्लियर करनी थी, और मुझे, मैंने उनका नाम उस वीडियो में इसलिए नहीं लिया बिकॉज 100% मैं नहीं फॉलो कर रही हूँ उनको, और वो बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाती कि मैं उनको बोल रही हूँ। इन केस कभी उन्होंने मेरा वीडियो देख ही लिया तो वो तो कहेंगी ये क्या कर रही है और मेरा नाम लेके। तो इसीलिए मैं सबको सुनती हूँ और फिर अपने अकॉर्डिंग मैंने वो बनाया। लेकिन बिकॉज ऑफ शुभा जैन मेरी सारी चीजें आज क्लियर हैं, मेरे सारे फैक्ट्स क्लियर हैं। तो शी इज नॉट अ ह्यूमन, शी इज अ गॉड फॉर मी। मेरा बस चले मैं उनको पूजू घर में लगा के। सच बता रही हूं मैं, कितनी परेशान थी, मैं कितनी परेशान थी 23 और 24 नवंबर तक। 25 नवंबर से जब से मैंने अपनी ये जर्नी शुरू किया, 10 दिन के अंदर मेरे को चेंजेस दिखने लगे। एक और बात मैं बता दूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि एनिमा वो बोलती है 3 हफ्ते तक डेली लो, मैंने नहीं लिया। उसके बाद वो बोलती है 1 हफ्ते में एक बार लो, तो मैं 1 हफ्ते में एक बार ही लेती हूँ एनिमा, शुरू से ही। मैं डेली बिल्कुल भी नहीं लेती बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे आदत नहीं पड़ जाए या कहीं यू नो इन्फेक्शन नहीं हो जाए या कुछ, तो मेरे अंदर एक डर था। इसीलिए मैं 5 दिन में 6 दिन में एक बार ले लेती हूँ, या हफ्ते में एक दिन ले लेती हूँ, या 10 दिन में एक बार ले लेती हूँ, समथिंग लाइक दैट। मैंने अपने अकॉर्डिंग ही लाइफ स्टाइल बनाई है, उस लाइफ स्टाइल को फॉलो करके मुझ में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो प्लीज बुरा मत मानना, और जिनके भी कमेंट आए हैं मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं, और तनवीर का भी कमेंट मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है। मैंने उनको रिप्लाई दे दिया है, और उन्होंने कहा कि वो मेरे ब्लॉग्स फॉलो करते हैं या करती हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेल है या फीमेल। तो थैंक यू सो मच, और आपकी यूट्यूबर ओरिजिनल थी, है और रहेगी, ठीक है? तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं बहुत ही कम यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ, मतलब इस तरह के कॉपी करने वाले। आजकल इतने चैलेंजेस चल रहे हैं जिनमें मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाते हैं, जब मेरा मन होगा तब मैं वो चैलेंज करूंगी, रादर देन कि वो ट्रेंडिंग कर रहे हैं इसीलिए मैं करूं। तो ये वाला चैनल मैंने अपनी खुशी के लिए खोला है, ऐसे ये फालतू के कॉम्पिटिशन करने के लिए नहीं खोला है और फिर उनसे दुखी हो कि अरे हमको व्यू नहीं मिले, सब्सक्राइबर नहीं मिले। मैं इतना दुखी होना है तो फिर क्यों चैनल खोलना, आराम से रहो। तो इसलिए मैं मजे करती हूँ और आप लोगों को वैसे ही दिखता है, जो भी दिखता है वो नेचुरल हूँ मैं। सो टिल देन बाय बाय। अगर आपका मन हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपका मन हो तो लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना कैसा लगा ये ब्लॉग। टिल देन बाय बाय।